नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलर्स ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, आपका बच्चा बनेगा आज्ञाकारी, संस्कारी, बुद्धिमान, एक प्रतिभावान व्यक्तित्व वाला। सफलता उसके कदम चूमेगी। लोग सोचते रह जाएंगे, क्या सिखाते हैं आप अपने बच्चों को, आप क्या खिलाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। जी हाँ, जैसा वातावरण हमारे समाज में बन चुका है, किसी को भी सही गलत का फर्क पता ही नहीं चलता। ऐसे में बच्चों की सही परवरिश कर पाना कोई साधारण बात नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारी संतान हमेशा आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, लोग उसकी प्रशंसा करें। बच्चे आपकी भावनाओं को समझें कि किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आपके त्याग बलिदान, जो कि बच्चों की परवरिश के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो बच्चे भी महसूस करें और आपका सम्मान करें, ऐसा संभव हो सकता है। कई विद्वानों का मानना है कि परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है और माता उनकी प्रथम गुरु। बिल्कुल सच है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता है और अपने माता पिता से ही वह कुछ भी सीखने की कोशिश करता है, यानी माँ की गोद से ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब तक वह स्कूल नहीं जाता या बाहरी परिवेश में नहीं घुलता मिलता, तब तक वह हर क्रिया प्रतिक्रिया अपने अभिभावकों के द्वारा ही सीखता है। हमारे घरों में किस तरह बोला जाता है, बोलने की क्या शैली है, खाने, उठने, रहन सहन, सभी का पूर्णतः परिवार का ही प्रभाव रहता है। ऐसे में हमारा दायित्व तो बन जाता है कि हम अपने बच्चों के सामने वही कार्य करें जो हमारे बच्चे में संस्कार के बीज बो सके। किसी ने ठीक ही कहा है, बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़ों के समान होते हैं, हम उन्हें जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, तभी तो हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा। बच्चों में संस्कार लाने के लिए या वो अपने कर्तव्य को समझे, उनका क्या उत्तरदायित्व है, वो जिम्मेदार बने, परिश्रमी बने, व्यर्थ के कामों में पैसे को न बर्बाद करे, उनकी संगति अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अनुशासित रहें। मतलब आप जो कुछ भी अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, अच्छी आदतें, नियमित व्यवस्थित दिनचर्या, ये सब बातें आपको अपने अंदर डालनी चाहिए, जिसका अनुकरण बच्चे कर सके। अगर आप घंटों फोन पर बिजी रहते हैं तो इसका असर आपके बच्चों पर जरूर पड़ेगा। फिर आप उनको फोन कम चलाने के लिए आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं तो आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जल्दी सोएं, जल्दी उठें, तो इसके लिए आपको भी जल्दी सोने, जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। बच्चे माता पिता की आदतों का अनुसरण करते हैं, जैसा आप करेंगे बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर पूरे परिवार की आदतों को हम बदल सकते हैं। अगर हमारी खाने पीने की आदत में पौष्टिक और संतुलित भोजन है तो बच्चे भी वही खाएंगे। जब घर का सादा भोजन हम खुद नहीं खाते तो फिर बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकते। बच्चे हमारी भी आदतों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, चीज़ों को इधर उधर फेंकते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है कि बच्चों के सामने किसी की भी आलोचना बिल्कुल ना करें। बच्चे की परवरिश हर माता पिता का दायित्व है। आप अपने दायित्व को कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। संस्कार के बीज बचपन में ही बोए जाते हैं, तभी वो बेहतर है, तभी तो यह बीज समय के साथ एक सुंदर फलदार वृक्ष में परिवर्तित होगा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता के सूर, वरना रह जाए ऐसे ही काहे गवाए नूर। आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। जय माता रानी।